जब मेरे को ये पता लगता है कि हर दूसरे तीसरे घर में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके, पित्त की थैली का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है, क्योंकि उसमें स्टोन पाए गए थे। पित्त की थैली में अगर किसी के स्टोन हैं, तो हमें एक बात बहुत जरूरी समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम लेवर में है, ना कि पित्त की थैली में। ये जो फॉर्मूला है लेवर क्लेंजिंग का, इससे बड़े से बड़ा स्टोन, चाहे वो 1 इंच का हो, 1.5 इंच का हो, 2 इंच का हो, ये आसानी से इंटेस्टाइन के रास्ते, स्टूल के रास्ते बाहर आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर इंदर बग्गा जी। इन्हें आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, होम्योपैथी का, एक्यूप्रेशर की गहरी जानकारी है। ये आज आपको बताएंगे कि पित्त की थैली में जो पथरी हो जाए, या फैटी लीवर हो जाए, या लीवर बढ़ जाए, लीवर एनलार्जमेंट, इसका बहुत ही नेचुरल इलाज है, घर पर किया जा सकता है, और इसके इलाज से बहुत सी बीमारियां ठीक होंगी। क्योंकि डॉक्टर साहब का अनुभव है कि लीवर अगर अनहेल्दी है, पित्त की थैली में पथरी है, तो आपको और कई बीमारियां हो सकती है। जनरली पित्त की थैली की पथरी एलोपैथी में निकलती नहीं है, उसका पित्त की थैली को ही निकाल देते हैं। इसका सीधा सा इलाज सिर्फ पित्त की थैली को रिमूवल बताया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि पित्त की थैली की पथरी भी निकल जाएगी। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि लीवर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कितने इजी तरीके से उसे क्लीन किया जा सकता है, पित्त की थैली की पथरी को भी हटाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पित्त की थैली की पथरी जो होती है वो निकल सकती है वो नेचुरल तरीके से, और लीवर अगर फैटी है तो भी ठीक हो जाएगा, और लीवर बढ़ा हुआ ठीक हो जाएगा, बस लीवर क्लिंजिंग की करने की जरूरत है। तो वो लीवर क्लिंजिंग कैसे करते हैं और कैसे ये पित्त की थैली की पथरी निकलती है, जरा दर्शकों को बताएं। लीवर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है जब मेरे को ये पता लगता है कि हर दूसरे तीसरे घर में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके, पित्त की थैली का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है, क्योंकि उसमें स्टोन पाए गए थे। पित्त की थैली में अगर किसी के स्टोन हैं, तो हमें एक बात बहुत जरूरी समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम लेवर में है, ना कि पित्त की थैली में। पित्त की थैली एक 4 इंच बाय 2 इंच का एक छोटी सी थैली है जो लिवर से अटैच है, लिवर के नीचे। जब भी लिवर में कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ गंदगी जो इकट्ठी हो जाएगी गलत खाने पीने के कारण, दवाइयों के कारण, तो वो चीज़ें बाइल के साथ, लिवर बाइल बनाता है, बाइल के साथ आके पित्त की थैली में इकट्ठी हो जाती हैं, और वो छोटे छोटे कण होते हैं जो जुड़ जुड़ के दाल के दाने की तरह, मटर के दाने की तरह, या उससे भी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और जब वहाँ पे उन दानों का कोई तीखा हिस्सा गॉल ब्लैडर के स्किन से टकराता है या टच करता है, तो जो दर्द होता है उसको हम पित्त की थैली का दर्द बोलते हैं। और जब हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो वो बताते हैं कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा। मैं एक और चीज़ आपको दोबारा से ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनकी भी पित्त की थैली में स्टोन है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि समस्या पित्त की थैली की नहीं है, समस्या उनके लिवर की है। लिवर के करीब 500 फंक्शंस हैं, जिसमें हार्मोन्स बनाना, कोलेस्ट्रॉल बनाना, विटामिन डी बनाना, ये कुछ महत्वपूर्ण उसके फंक्शन है। जब भी हमारे खान पान में हमारी कुछ, हम ऐसे पदार्थ लेते हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें लेते हैं, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, गलत टाइम पे चीज़ें खाते हैं, तो उनके जब खून जो है वो साफ होने जब लिवर में जाता है, तो उनके कण लिवर में रह जाते हैं जो जुड़ जुड़ के स्टोन बनाते हैं। इसी को, जब ये चीज़ें ज़्यादा लिवर में इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसी को हम एनलार्ज लिवर, फैटी लिवर का नाम देते हैं, या लिवर में हम बोलते हैं गांठे हैं। मेडिकल साइंस इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि लिवर में भी स्टोन होते हैं, लेकिन ये सच है कि जो स्टोन्स हैं वो लिवर में भी पाए जाते हैं। और क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन में कैल्शियम मौजूद होता है, तो वो अल्ट्रासाउंड में साफ नजर आते हैं। इसको इस तरह से थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में हमें स्वस्थ रखने का जो खेल है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे खून का है। अगर खून साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और खून को साफ करने का जो कार्य ऊपर वाले ने जो सौंपा है वो लिवर और किडनी को सौंपा है। इन दोनों का बहन भाई का रिश्ता है। अगर लिवर पे लोड बढ़ेगा तो किडनी पे लोड बढ़ेगा, और किडनी चोक होगी तो लिवर पे दिक्कत आएगी। एक और चीज़ हमें समझनी है कि जैसे हमारा गाड़ी का फिल्टर है, तो गाड़ी का फिल्टर हम 3-6 महीने में हम सर्विस कराते हैं, उसको साफ कराते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में ऊपर वाले ने दो फिल्टर लगाए हैं, एक लिवर का और एक किडनी का, और
इन फिल्टर की सफाई बहुत जरूरी है नियमित रूप से, ना सिर्फ उनके लिए जिनका लिवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी जो स्वस्थ हैं, ताकि उनके फिल्टर साफ रहें और कोई बीमारी ना हो सके। ये बहुत ही अत्यंत जरूरी है। गॉल ब्लैडर का सिर्फ काम है, एक स्टोरेज टैंक है गॉल ब्लैडर, जो बाइल को इकट्ठा करता है और उसको गाढ़ा बनाता है। ये गाढ़ा जो बाइल है, ये खाना पचाने के लिए हमारे अत्यंत आवश्यक है। जो गॉल ब्लैडर का मुंह खुलता है, वो एक्चुअल में बंद है, वो ऐसे बंद रहता है। और जब भी आप कुछ घी तेल वाला खाना खाते हैं जिसमें फैट है, तो ये क्या करता है कि ये पिचकारी की तरह ऐसे खुलता है और खाने पे स्प्रे मारता है और वो फिर बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मुंह ज़्यादातर बंद रहता है और इसके अंदर से, इस मुंह से पानी के अलावा, लिक्विड के अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता। यही कारण है कि गॉल ब्लैडर में जब स्टोन होता है तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि स्टोन नहीं निकल सकते, क्योंकि सॉलिड चीज़ उस मुँह से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन दुनिया में कुछ महान लोग हुए हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर एंड्रिया मॉरिट्स जो अमेरिकन थे, और एक और इंसान है डॉक्टर पीयूष सक्सेना, जिन्होंने इस पर रिसर्च की और लिवर क्लेंजिंग को प्रमोट किया। ये जो फॉर्मूला है लिवर क्लेंजिंग का, इससे बड़े से बड़ा स्टोन, चाहे वो 1 इंच का हो, 1.5 इंच का हो, 2 इंच का हो, ये आसानी से इंटेस्टाइन के रास्ते, स्टूल के रास्ते बाहर आ सकता है। अब मैं इस बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये कैसे संभव है। ये जो तरीका है, इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पहली चीज़ है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का काम है शरीर में कुछ भी चीज़ को ढीला करना। हमारी जो हड्डियां हैं, इसको मजबूत बनाती है, कड़क बनाती है कैल्शियम, और उसको फ्लेक्सिबल बनाती है कि हड्डियां मुड़ सके, वो काम है मैग्नीशियम का। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बचपन में हम पेड़ से कूदते हैं और या दीवारें फांदते हैं, तो कभी हमें फ्रैक्चर नहीं होता, क्योंकि हड्डियों में संपूर्ण मात्रा में मैग्नीशियम होता है, हड्डी मुड़ती है और दोबारा से अपनी जगह आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मैग्नीशियम का कमी आने लगती है शरीर में और हड्डियां जो हैं वो ब्रिटल होने लगती हैं। अगर आप सड़क पे भी फिसल जाएंगे तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का काम है हमें रिलैक्स करना, हमें ढीला करना, हमारे दिमाग को शांत करना। ये मैग्नीशियम काम के नाम से भी बिकता है। तो पहली चीज़ हो गई एप्सम सॉल्ट, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरी चीज़ इससे में इस्तेमाल होती है कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मतलब जैतून का तेल, कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन। वो तेल नहीं जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये कोल्ड प्रेस्ड तेल है जो वैसे भी यूरोप वगैरह में लोग काफ़ी सैलड वगैरह में डाल के खाते हैं। और तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल होती है इसमें, वो है सिट्रस फ्रूट जूस। किसी भी तरह का ऑरेंज, कीनू, संतरे का, या वो गलगल आती है जैसे ग्रेप फ्रूट कहते हैं, इनमें से किसी का भी जूस इस्तेमाल किया जा सकता है लिवर क्लेंस करने में। ये बहुत ही आसान है, घर बैठे किया जा सकता है। 400-500 रुपए का, से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता। आपको तेल मिल जाएगा मार्केट में, एप्सम सॉल्ट आपको केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा, और जूस आप फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कार्टन जूस की भी बात करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। अब हम इस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि ये इसका स्टेप्स क्या है। जिस दिन मैंने ये करना है, लिवर क्लेंस करना है, जिसे गॉल ब्लैडर क्लेंस भी कहा जाता है, तो मैं जब सुबह उठूंगा तो मैं फ्रूट और फ्रूट जूस ही लूंगा, सिर्फ फ्रूट और फ्रूट जूस, जितनी मर्जी मात्रा में। इसके अलावा ना चाय, ना कॉफ़ी, ना कोई दवाई इस दिन ली जाएगी। दोपहर में हम लंच में या तो बासमती चावल, उसके साथ उबली हुई सब्जी, या हम सब्जियों का सूप बना के पी सकते हैं, लेकिन तेल की एक भी बूंद हम नहीं ले सकते किसी भी तरीके से। कोई गेहूं की रोटी नहीं, कोई और चीज़ें नहीं खा सकते, यही चीज़ हमने खानी है। पानी हम दिन भर में जितना मर्जी पी सकते हैं। हम दिन भर में अपना जो भी हमें कार्य है हम निपटा सकते हैं, लेकिन हमें 6 बजे के बाद अपने घर पे होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल जो क्लेंजिंग है वो शाम को 6 बजे से शुरू हो जाती है। शाम को 6 बजे आप एप्सम सॉल्ट की 20 ग्राम की डोज लेंगे। एक जो बड़ा चम्मच आता है ऊपर तक भरा हुआ, वो करीब 15-20 ग्राम होता है, उसको एक गिलास पानी में घोल के हम पी जाएंगे। उसके बाद हम 8 बजे रात को फिर दोबारा एप्सम सॉल्ट की एक डोज लेंगे एक गिलास पानी में। किसी भी टाइम इस दौरान 8 बजे के बाद, उससे पहले 9 बजे 9:15 बजे हमें लूज मोशन लग जाएंगे, और ये करीब 4-5 बार हमें टॉयलेट जाना पड़ सकता है। इसका ये मतलब है कि हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा जब हम अगला स्टेप लेंगे। इसमें जो अगला स्टेप है, उसमें हम करीब 10 बजे जूस और ऑलिव ऑयल मिला के पीते हैं। 175 ml जूस और 175 ml
ऑलिव ऑयल हम एक बोतल में डालेंगे, उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिला के हम पूरे 10 बजे ये सुनिश्चित करने के बाद कि हमें और दोबारा टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप ये जो आपने मिक्सचर बनाया है इसको पी के आप दाई तरफ लेटेंगे। याद रखिए, दाई तरफ लेटेंगे, आपका सिर ऊंचा होना चाहिए। सिर के नीचे आप दो तकिए रख सकते हैं, थोड़ा सा सिर ऊंचा होना चाहिए, और राइट साइड लेटेंगे। आपने लेफ्ट साइड पे नहीं लेटना है। अगर दाई तरफ लेटना संभव ना हो तो आप सीधे पीठ के बल लेट सकते हैं, लेकिन आपने बाई तरफ नहीं लेटना है। सुबह 6 बजे उठना है, जब तो सुबह 6 बजे उठ के आप अगली डोज एप्सम सॉल्ट की लेंगे। वही एक ग्लास में 20 ग्राम एप्सम सॉल्ट मिला के आप पी सकते हैं। 8 बजे आप ऑलिव ऑयल और ऑरेंज जूस की दोबारा से एक डोज लेंगे, लेकिन इस समय क्वांटिटी आधी से भी कम होगी। मतलब 75 ml ऑलिव ऑयल और 75 ml ऑरेंज जूस आप मिला के पी जाएंगे, और फिर दोबारा से आप राइट साइड पर लेट जाएंगे। और इसके बाद 10 बजे आपकी लास्ट डोज एप्सम सॉल्ट की होगी। तो जो आपने डोज लेनी शुरू की शाम को 6 बजे, वो सुबह 10 बजे आपका ख़त्म हो जाएगा। और सुबह किसी भी समय आप जो स्टूल पास करेंगे उसमें ग्रीन कलर के स्टोन्स, लिक्विड, दाल की तरह के दाने, मटर की तरह के दाने, जैसे काई जम जाती है हरे रंग की, ये सारी लिवर और गॉल ब्लैडर से निकलना शुरू हो जाएगा। अब हम ये समझें कि ये संभव कैसे हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम का काम है किसी भी चीज़ को ढीला करना। तो जब हमने रात को मैग्नीशियम लिया, उस मैग्नीशियम ने गॉल ब्लैडर का जो मुंह है उसको जाके इतना ढीला कर दिया कि बस वो आपस में जुड़ा ही हुआ है, लेकिन वो लिम्प हो चुका है, ऐसे बिल्कुल उसमें जान ही नहीं है, ऐसे कर दिया उसने, इतना एप्सम सॉल्ट हमने लिया है। और फिर जो हमने ऑलिव ऑयल पिया, तो ऑलिव ऑयल क्या करता है, जब भी घी तेल आता है तो बाइल रिलीज होता है उसके लिए। तो हमने सुबह से कुछ ऐसा खाया नहीं था, तो बाइल हमारे अंदर इकट्ठा हो रहा था। जैसे ही इतना तेल आया, ब्रेन से मैसेज गया लिवर को कि बाइल तेल आया है, बाइल रिलीज करो। तो उसने ऐसे फोर्स से बाइल फेंका और वो जो मुंह है पूरा उसका खुल गया गॉल ब्लैडर का, और स्टोन्स बाहर आ गए। ये प्रक्रिया होती है। उनके लिए जो समझना चाहते हैं कि बड़े स्टोन निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, बिल्कुल निकल सकते हैं। मैंने आज तक 16 बार क्लेंस किया है, मैं अपने पेशेंट्स को जानता हूँ जो 30-30 बार कर चुके हैं, और किसी भी तरह का स्टोन 1-1.5-2 इंच का इस प्रक्रिया से बाहर आ सकता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक और तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि जब आप के पेट में या कहीं पे दर्द होता है, आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, तो आपको डॉक्टर ये बोलता है कि आपके पित्त की थैली में स्टोन है। आपको ये बात समझनी है कि ज़रूरी नहीं है कि पित्त की थैली का स्टोन के कारण वो दर्द हुआ हो। पित्त की थैली का दर्द हमेशा नाभि से 3-4 इंच राइट साइड में रिब के नीचे यहाँ पे दर्द होगा। ये जो सेंटर का दर्द है, लेफ्ट का दर्द है, ये पित्त की थैली का नहीं है, ये किसी और कारण का है। तो आप गलती से अपना गॉल ब्लैडर ना गवा दें, इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूँ। जो लोग पित्त की थैली का ऑपरेशन गलतफहमी में करा लेते हैं, उनकी समस्या बनी रहती है, क्योंकि पेट का दर्द किसी और कारण से है। इसको एक बार से रिकैप कर दें कि जैसे शुरू में आपने जब ये प्रक्रिया शुरू करते हैं लिवर क्लींजिंग की, तो आपने बताया कि सुबह जूस लेना है, वो कितना भी ले सकते हैं और किसी भी फ्रूट का ले सकते हैं। पहला ये जूस और फ्रूट्स, फ्रूट्स दोनों लेने हैं भरपूर मात्रा में सुबह। आप सिर्फ फ्रूट्स ही ले सकते हैं, क्योंकि जूस लेके लोग कहते हैं कि भूख लग गई है, भूख लग जाती है, तो आप फ्रूट्स की मात्रा ले सकते हैं जितनी मर्जी, और दवाई नहीं खानी है उस दिन। सुबह उठे तो फ्रूट्स खाएं, और चाय कॉफी कुछ नहीं लेना है जी, कुछ भी नहीं लेना है। इसके अलावा दोपहर के भोजन में बासमती चावल ले सकते हैं और उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं। इसमें तेल नहीं लेना है, तेल का एक बूंद भी नहीं लेनी है, तेल की एक बूंद नहीं लेनी है। इसके अलावा फिर शाम को 6 बजे मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट है जी, वो लेना है। वो कितना लेना है पहली बार? 20 ग्राम। सारे डोज 4 डोज होंगे, 2 रात को 2 सुबह, ये 20 ग्राम के डोज होंगे। ये फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए, प्योर मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए। ये आपको केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। ये 20 ग्राम एक गिलास पानी में लेना है, और उसके बाद आपको लूज मोशन होगा। हाँ जी। और ये दूसरी डोज कब लेनी है फिर? 8 बजे। दूसरी डोज 8 बजे लेनी है, इसके बीच में लूज मोशन होता रहेगा, कुछ खाना नहीं है। 8 बजे हो सकता है, 8:30 हो सकता है, 9 बजे तक हो सकता है, कई लोगों के डिपेंड करता है कि स्लो सिस्टम है। ये लैक्सेटिव के नाम से भी बिकता है, मैग्नीशियम सल्फेट एक लैक्सेटिव के नाम से बिकता है। एक चीज़ जो ध्यान रखनी है यहाँ पे, उस दिन दवाई नहीं लेनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लेनी है तो कम से कम बीपी की दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि बीपी गिरने वाला है मैग्नीशियम के कारण। बीपी की दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है। आप 8 या 9 बजे दोबारा से डोज ली मैग्नीशियम सल्फेट की, और फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने 10 बजे ऑरेंज जूस या कोई भी सिट्रस फ्रूट जूस ऑलिव ऑयल के साथ 175
मिला के आपने पी जाना है। टोटल 350 ml एक बोतल में डालेंगे, उसको अच्छी तरह हिलाएंगे और आपने पी के लेट जाना। कोई भी सिट्रस फूड लें, सिट्रस जूस लें, 175 ml और 175 ml ऑलिव ऑयल लें और फिर मिला करके पी जाए। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने अपने राइट साइड पे लेटना है, आपने सर के नीचे, सर ऊंचा रहना चाहिए, सर के नीचे 2 pillow, या आप पीठ के बल लेट सकते हैं लेकिन बाईं तरफ नहीं लेटना, ताकि हम लेवर पे थोड़ा प्रेशर बने क्योंकि वो स्क्वीज हो, ताकि स्टोन बाहर पुश हो सके। और उसके बाद आपको सो जाना है और सुबह उठ करके क्या करना है? सुबह उठ के 6 बजे आपने एक एप्सम सॉल्ट का डोज दोबारा लेना है, उसके बाद 8 बजे आपने 75 ml ऑलिव ऑयल और 75 ml ऑरेंज जूस फिर दोबारा मिला के आपने पी लेना है। चौथी डोज में 10 बजे फिर से एप्सम सॉल्ट लेना जी। तो इस तरह से 10 बजे आपकी प्रक्रिया पूरी होगी जी। फिर टॉयलेट जो बीच में ही आएगा उसी में क्लीन होता रहेगा, ये स्टूल के रास्ते स्टोन पास होंगे, तो रात को जो निकलेगा वो तो सारा पेट और इंटेस्टाइन साफ हो जाएंगे, लेकिन सुबह जो निकलेगा वो सारा कुछ गॉल बैटर और लिवर से निकलेगा, और ये हो सकता है कि ये शाम तक निकलता रहे। इसके बीच में 6 से 10 बजे सुबह तक कुछ नहीं खाना है। कुछ लोग जो इस बारे में थोड़ी सी शंका रखते हैं कि ये स्टोन जो है वो एक्चुअल में गॉल ब्लैडर से निकले हैं या लिवर से निकले हैं, उनकी जानकारी के लिए उनको हम एक सलाह देते होते हैं। सीधा सा एक काम कर लीजिए, 10-20 रुपए की एक छलनी आती है, वो अपनी टॉयलेट सीट में फिट कर लीजिए, उसमें जो भी निकलेगा उसको आप इकट्ठा कीजिए और जांच करा लीजिए, आपको तसल्ली। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि मैं दोबारा से बोलूँगा, प्रॉब्लम आपके लिवर में है, गॉल ब्लैडर में नहीं। उसको सजा मत दीजिए ऑपरेशन करा के, आपको लिवर साफ करना है। जब आपके अगर पथरी है, अल्ट्रासाउंड में पथरी आई है और अगर आपने ये प्रक्रिया की तो आप देखेंगे कि कुछ निकला है, लेकिन आप भागिए मत अल्ट्रासाउंड कराने, उसका कारण है क्योंकि जो लिवर में आपने 1 kilo चीज़ें जमा की हैं वो आके फिर गॉल बैडर में आ जाएंगी, और अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको फिर नज़र आएगा कि आपका गॉल बैडर भरा हुआ है और आपका विश्वास उठ जाएगा इस पद्धति से। तो आपको पूरा खेल समझना है, जब तक आपका लिवर भरा हुआ है, जब तक वो खाली नहीं हो जाता, आपके गॉल बैडर में स्टोन नज़र आ सकते हैं। अब ये पता कैसे लगेगा कि लिवर खाली हो गया? वो पता ऐसे लगेगा कि जब आप हर 20-25 दिन में लिवर क्लेंस करते रहे, गॉल ब्लैडर क्लेंस करते रहे, तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके स्टूल में आपको कोई स्टोन, कोई काई, कोई हरा कलर की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। जब वो हो जाए तो आप जब जाके जितना मर्जी अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं आएंगे। तो ये आपने बताया कि लिवर क्लेंजिंग 2-3 बार करनी पड़ सकती है। काफ़ी बार करनी पड़ सकती है क्योंकि आपने बचपन से लेकर जो उल्टे सीधे खाए हैं वो कई बार हो सकता है 2-4-5 बार में ठीक ना हो। मेरे लिवर में, मेरा लिवर साफ हुआ था 13वीं बार में। 30-35 साल पहले मेरा डिटेक्ट हुआ था लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस भी, और मेरे को एक टाइम था कि हर साल जॉन्डिस होता था, तो हमारे लिवर की हालत ये थी। और आज ये है कि हम लिवर के को लेकर हर तरह से स्वस्थ हैं। हम कुछ भी खाने में, हालांकि हम विश्वास नहीं करते कि गलत खाया जाए, पर हमारे पाचन क्रिया काफ़ी अच्छी है इसके कारण, क्योंकि हम अपने लिवर का ख्याल रखते हैं और लिवर को निरंतर साफ रखते हैं। खुद कितनी बार लिवर क्लींस कर चुके हैं? मैं 16 बार अभी तक कर चुका हूँ। इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की 4 डोज लेनी पड़ती हैं जो आपने बताया? देखिए, ऐसा है कि मैंने करीब, ये समझ लो कि हजारों लोगों को पर्सनल सुपरविजन में लिवर क्लींस कराया है। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, जिस दिन आप लिवर क्लेंस करोगे, एप्सम सॉल्ट लोगे, उस दिन आपको हो सकता है थोड़ी कमजोरी महसूस हो, क्योंकि मैग्नीशियम आपको ढीला करेगा, आपके शरीर को ढीला करता है, आपको रिलैक्स करता है, तो आप उतने फुर्तीले नहीं होगे उस दिन। अगले दिन से आप बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगोगे। और हम ये भी कहते हैं, क्योंकि पानी काफ़ी लूज करते हैं, क्योंकि लूज मोशन होते हैं तो लिक्विड लूज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस दिन आपको 2-3 coconut water लेने चाहिए जब आप ये लिवर क्लेंस खत्म कर लें, टू रिप्लेनिश द फ्लूइड्स, कि आपके शरीर में फ्लूइड्स जो हैं वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए। एक सवाल बीच में रह गया था कि शाम को 6 बजे जब ये प्रक्रिया शुरू करें तो रात को कुछ खाना है? जो हमने, मैं अपनी वीडियो में बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मतलब इसके अलावा अगर आप और विस्तृत इस बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट पर इसकी बहुत सिंपल तरीके से प्रक्रिया लिखी हुई है और सारे लिंक दिए हुए हैं। एंड्रिया मोरेट से लेकर डॉक्टर पीयूष सक्सेना तक की वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, जहां जो जिसको आप विजिट करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं और इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, ये लीवर क्लींज होने से पित्त की थैली के स्टोन तो निकल ही जाते हैं, लीवर में क्या इफेक्ट आता है फिर जो क्लीन होने के बाद? देखिए, जब आपका खून साफ होने लगेगा, खून
पतला होगा, खून का प्रवाह बढ़ेगा। सारा खेल तो खून का है, आपका शरीर को चलाता ही खून है, सारी सेहत का लेना देना खून से है। तभी तो आप जैसे बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, ब्लड टेस्ट। ब्लड के पैरामीटर्स ही पहला इंडिकेशन देते हैं कि आपने पहला ही इंडिकेशन खत्म कर दिया तो बाकी की बीमारियां तो भूल जाइए, आपको कभी हो सकती। मतलब लीवर क्लीन हो गया तो आपका जो ब्लड भी साफ होगा और बीमारियां ठीक होंगी। फैटी लीवर और लीवर एनलार्जमेंट भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल, यही इसी से फैटी लीवर, यही तो है कि चीजें ज्यादा इकट्ठी हो गई और वो बड़ा हो गया लीवर। फैटी लीवर का क्या मतलब है, उसमें फैट जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, वो उसका साइज बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी तरह से अपना दिनचर्या, अपना खाना पीना ही ऐसा कर लें कि इसकी कम से कम जरूरत पड़े, आप कचरा इकट्ठा करें ही ना, अपने शरीर को, अपने मुंह को कूड़ेदान ना बनाएं, तो आपको लिवर क्लेंस कम करना पड़ेगा। फिर भी करना चाहिए क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे बच सकें, तो फिर 6 महीने साल भर में आप एक बार करें एज अ मेंटेनेंस। बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना करें जिसके कारण हम अपने लिवर पे, हम अपने किडनी पे अत्याचार करें, क्योंकि गलत खाने खा के, दवाइयाँ खा के, फ्राइड फ्रूट खा के, डोसे, बर्गर और भटूरे और समोसे खा के हम अपने आप पे अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें ऑलिव ऑयल का बड़ा रोल है, तो ऑलिव ऑयल स्टडी ये कहती है कि ओरिजिनल जो वर्जिन की बात कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस वर्जिन जो फर्स्ट क्वालिटी का है, वो तो मिलता ही बहुत कम है ही नहीं, कहाँ मिलेगा ये आजकल? पहले नहीं मिलता था, आजकल आपको किसी भी बड़े स्टोर में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक और छोटी सी एक जानकारी दे दूं, ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो सही नहीं है। जितने भी तेल हम इस्तेमाल करें वो कोल्ड प्रेस होने चाहिए। तो ऑलिव ऑयल का हीटिंग टेम्परेचर इतना कम है कि इसको कुकिंग के लिए, इसीलिए सैलेड ड्रेसिंग वगैरह या कच्चा इस्तेमाल होता है। और एक पोमेस ऑलिव ऑयल है जो रिफाइंड ऑलिव ऑयल है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो लोग कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस हो जी, वही यूज करना चाहिए। जी, वही यूज करना। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर इंदर बग्गा जी ने बताया कि लीवर को यदि क्लीन कर लेंगे, लीवर क्लींजिंग करेंगे, तो उससे पित्त की थैली में जो पथरी है वो भी निकल जाएंगी, फैटी लीवर की समस्या भी ठीक होगी, लीवर बड़ा हुआ है तो वो भी ठीक होगा। लीवर ठीक हो गया तो बहुत सी बीमारियां जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, जो लीवर साफ नहीं कर पाता खून को, उससे जुड़ी हुई है, वो ठीक होंगी। यहाँ एक चीज और आपको बता दें कि जो चीजें बताई गई हैं वो ओरिजिनल यूज करनी है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है जो बताया गया है वो उसको वेरीफाई करें, और ऑलिव ऑयल है जो एक्स्ट्रा वर्जिन है, वुड प्रेस या जो कोल्ड प्रेस है वो प्योर होना चाहिए, और फ्रूट्स जो है वो रॉ फ्रूट्स का जूस लेना है, पैकेट वाला नहीं लेना। ये चीजें यूज करते हुए जो तरीका बताया उसको फॉलो करेंगे तो लीवर साफ होगा और पित्त की थैली की पथरी भी निकलेगी और लीवर की हेल्थ भी सुधरेगी। तो और जानकारी लेनी हो तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब की सिर्फ कोशिश ये है कि ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इनका मोटिव ये नहीं है कि ये अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा फैलाएं या पैसा कमाएं, मोटिव इनका ये है जो बातें करते हुए बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही जानकारी पहुंचे ताकि वो घर पर ही ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर पाएं, डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।